बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे या ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको जो रेमेडी बताने जा रहे हैं, इसके इस्तेमाल से 5 मिनट बाद ही आपका जो चेहरा है वो जिद्दी दाग धब्बू से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है और उसके साथ फ्रेंड्स आपका जो कलर कम्प्लेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा फेयर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कोई सी भी मॉइस्चराइजर क्रीम, निविया मॉइस्चराइजर क्रीम, या आप अपनी कोई सी भी होममेड या जो आपके पास मॉइस्चराइजर क्रीम है वो आप ले लें 1 टीस्पून, जैसा कि मैंने ली है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको ऐड करना होगा एलोवेरा जेल को, 2 टीस्पून आप एलोवेरा जेल ऐड कीजिएगा। और इंस्टेंट कॉफ़ी आपको चाहिए 1 टीस्पून। कॉफ़ी का पाउडर बना लीजिएगा। रॉ मिल्क आपको चाहिए 1 टीस्पून। सो फ्रेंड्स, यही चीज़ें हैं, इनमें से आपने कोई चीज़ भी स्किप नहीं करनी। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कॉफ़ी कलर कम्प्लेक्शन को बहुत फेयर करती है और ये ऐसी रेमेडी है जो कि आपके चेहरे को दाग धब्बों से भी साफ़ करेगी, कलर को निखारेगी और बहुत ज़्यादा ये आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड, देखिए हमारी ये रेमेडी रेडी है। फ्रेंड, इसको मैंने फेस के लिए बनाया है, इसको फेस पर ही लगाएंगे आप। और फ्रेंड, इसको आपने 5 मिनट अपने फेस पर लगाकर अच्छे से मसाज करना है। आपके फेस पर जहाँ पर ब्राउन स्पॉट्स और ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ पर आपने इसका अच्छे से मसाज करना है। जितनी अच्छे से मसाज करेंगे उतना आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और फ्रेंड, सर्कुलर मोशन में आप इसका मसाज कीजिएगा। आप इसको 3 टाइम इन अ वीक यूज़ कीजिएगा। और फ्रेंड, इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो है 2 वीक्स। जी फ्रेंड्स, 2 वीक्स इसकी शेल्फ़ लाइफ है और 3 टाइम इन अ वीक इसको आप इजीली यूज़ कीजिएगा और बहुत ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसका। 5 मिनट में ही आपको इसका बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 वीक 3 टाइम यूज़ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपका फेस बिल्कुल इससे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर हमने कॉफ़ी ऐड की है। कॉफ़ी कलर को बहुत फेयर करती है और समर सीज़न में ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि समर सीज़न में स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो कॉफ़ी एक तो कलर को फेयर करेगी, दूसरा ये फ्रेंड्स आपकी ऑयल को ये कंट्रोल करेगी, स्किन को थोड़ी सा ड्राई कर देगी। अगर आपकी स्किन गर्मी में भी ड्राई रहती है तो आप इसके अंदर कॉफ़ी मत ऐड कीजिएगा, आप इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोको पाउडर भी कलर को फेयर करता है। इसके साथ फ्रेंड्स ये बहुत ज़बरदस्त है, एक्ने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बेहतर ये होगा कि आप इसको मगरिब के बाद यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मगरिब के बाद ये ज़्यादा रिज़ल्ट देगी, सनलाइट में ये ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं देगी। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।